हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली ईआरपी 9 और प्राइम दोनों में ही गोडाउन को लेकर के काफी कंफ्यूजन है। यहाँ प्राइम की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ईआरपी 9 में भी सेम यही कंफ्यूजन जरूर क्रिएट होती होगी, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का क्वेश्चन आया है मेरे पास कि सर गोडाउन ऑप्शन चालू कैसे करें। हम पहले चालू करने की बात कर लेते हैं, गोडाउन ऑप्शन कहाँ से चालू करेंगे। देखिए, आपका कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, तो आप बिजनेस के लिए टैली सॉफ्टवेयर प्रयोग करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, गोडाउन ऑप्शन चालू करना सीखेंगे। तो देखिए, अब तो प्राइम है, वहां ईआरपी 9 होता तो आप वहां पे चालू करते। तो यहां पर आपको क्या करना है, वाउचर्स में एंट्री पास करनी है। यहां पर जाएंगे, अगर मान लीजिए आप कुछ परचेस कर रहे हैं तो यहां पर हमें गोडाउन हमारे पास होना जरूरी है। तो गोडाउन कैसे चालू करें, कहां से आएगा गोडाउन, हम परचेस वाउचर पे आ चुके हैं, हम चलते हैं यहां से, एस्केप बटन प्रेस करते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब हमें कहां चलना है, चार्ट ऑफ अकाउंट पर। तो यहां पर एंटर प्रेस करना है आकर के। अब यहां पर आपको मिल जाता है गोडाउन ऑप्शन। ये देखिए, यहां नीचे इन्वेंटरी मास्टर में आपको मिलेगा गोडाउन ऑप्शन, यहां पर आ जाइए और यहां पे मेन लोकेशन आ रहा है। ये मेन लोकेशन के अंडर में कोई गोडाउन अगर आप बनाना चाहते हो तो वो यहां से बना लीजिए। आपको जाना है क्रिएट पर, नेविगेशन की का प्रयोग करते हुए चले जाइए क्रिएट पर। अब ये पहला गोडाउन मैं बना रहा हूं, जो कि मेन लोकेशन के अंतर्गत मैं बना रहा हूं, और ये गोडाउन है न्यू कॉलोनी देवरिया। ये हमारा मेन गोडाउन है। अब इसी के अंडर में सारे गोडाउन हमारे आएंगे। तो यहां पे देवरिया कर लिया हमने, एंटर प्रेस किया और यहां पर एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लिया। ठीक है, तो ये हमारा न्यू कॉलोनी गोडाउन हो गया। अगर आप कोई और भी गोडाउन क्रिएट करना चाहते हो तो आप और भी गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, आपको कहां जाना होगा, मल्टी मास्टर्स पे जाना होगा। और यहां पे जैसे ही मल्टी मास्टर पे आएंगे तो मल्टी क्रिएट ऑप्शन आपको शो हो जाएगा, एंटर प्रेस कीजिए। ठीक है, और यहां से मल्टीपल गोडाउन आप चाहे तो क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, हम न्यू कॉलोनी गोडाउन के अंतर्गत हम बनाएंगे इसे। अभी हमें इसे अल्टर करना है। अल्टर कैसे करेंगे, तो अल्टर की भी बात कर लेते, क्योंकि न्यू लिखना था NEW और हमने क्या लिखा है NE, तो यहां पे गड़बड़ हो गई है। तो यहां से बाहर आ जाते हैं, पहले यहां से बाहर आ जाते हैं और हम चलते हैं कहां, अल्टर पर। अल्टर पर आ गए, हमें किस चीज को अल्टर करना है, गोडाउन को अल्टर करना है। तो यहां पे देखिए, नीचे आपको गोडाउन ऑप्शन मिल जाता है और ये वाला गोडाउन है जिसे हम अल्टर करना चाहते हैं। तो हमें लिखना था न्यू कॉलोनी, हमने गलती से कुछ और लिख दिया, तो यहाँ पूरा पूरा न्यू कॉलोनी टाइप कर देते हैं और आगे देवरिया लिख देते हैं। बस इतना ही तो हमें करना है, कंट्रोल ए प्रेस कर देना है, ये हो गया एक्सेप्ट। अब आ जाते हैं वापिस से कहां, गोडाउन पर। तो गोडाउन हम कहां से बना रहे थे, गोडाउन बनाने के लिए हम चार्ट ऑफ अकाउंट पे गए थे और यहां से ही हम गोडाउन बना रहे थे, जो कि एक गोडाउन हम क्रिएट कर चुके हैं जिसका नाम है न्यू कॉलोनी। अब हमें और भी गोडाउन क्रिएट करना है, तो मल्टी मास्टर्स पे चलना है और यहां से मल्टी क्रिएट पर आ जाना है। अब जैसे ही आएंगे तो न्यू कॉलोनी के अंडर में हमें गोडाउन बनाने हैं। तो न्यू कॉलोनी के अंडर में एक गोडाउन बनाया हमने यहाँ पे, राघव नगर देवरिया, ये हमारा न्यू कॉलोनी के अंडर में पहला गोडाउन है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ अंडर न्यू कॉलोनी अपने आप आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा मैं कर देता हूं, नगर पालिका। ठीक है, ये कर दिया हमने और यहां पे देखिए ये भी न्यू कॉलोनी के अंडर आ रहा है। इसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं साकेत नगर और ये भी देखिए मल्टी गोडाउन के न्यू कॉलोनी गोडाउन के अंतर्गत ये आ गया है। और भी कोई गोडाउन बनाना चाहते हो, जैसे यहां पे करता हूं गोरखपुर, ये भी एक गोडाउन है हमारा, तो ये हमने कर दिया और ये भी न्यू कॉलोनी गोडाउन के अंतर्गत आ गया। अब इसको सेव करना है तो कंट्रोल ए प्रेस करके आप कर लीजिए सेव। इस तरह से आप गोडाउन क्रिएट कर पाएंगे। अब जब एंट्री बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए एंट्री बनाएंगे तो सबसे पहले वाउचर्स पे चलना है, परचेस वाउचर पे आ गए हम, इसे हमने कोई सप्लायर इनवॉइस नंबर दे दिया, ये डेट आ गई, इसी डेट पे हम परचेजिंग कर रहे हैं। कंट्रोल सी प्रेस करके हम लेजर बनाएंगे, लेजर किसका बनाएंगे, क्रेडिटर पार्टी का। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं कुंदन और ये क्रेडिटर के लिए सिर्फ लिख देता हूं सी, इंटरफेस करता हूं, इंटरफेस करता हूं और यहां से कैपिटल अकाउंट आ रहा है। हमें क्या करना है, यहां पे हमें चाहिए सन्ड्री क्रेडिटर, एस प्रेस कर दीजिए, नीचे सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको शो हो जाएगा, इंटरफेस करके इसे ले लीजिए, इंटरफेस कीजिए। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करते चले जाइए और आपका काम हो जाएगा बहुत ही आसान। एंटरप्रेस कर दीजिए और यहां पर भी एंटरप्रेस कर दीजिए। अब यहां पर आ चुके हैं हम। ठीक है, यहां पर आएगा परचेज का लेजर, तो एंटरप्रेस कीजिए और परचेज का लेजर बना लीजिए। परचेज अकाउंट कर देता हूं मैं, तो यहां पे हमने कर दिया है परचेज अकाउंट। ओके, ये कर दिया, एंटरप्रेस किया, अंडर परचेज अकाउंट इसे डालेंगे, पी प्रेस करेंगे, परचेज अकाउंट के अंतर्गत इसे रखेंगे। ठीक है, एंटरप्रेस किया और इसे एक्सेप्ट करा लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा।
अब यहां पर स्टॉक आइटम हमें बनाने हैं। अब डायरेक्टली हम चाहे तो स्टॉक आइटम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, स्टॉक आइटम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए स्टॉक आइटम बना रहा हूं मैं कीबोर्ड, ठीक है, एंटर प्रेस किया। अब यहां पर जैसे ही आएंगे तो लिस्ट ऑफ ग्रुप प्राइमरी रख देते हैं, यहां पर यूनिट बनाना है, यहां पर आईटीएम आइटम कर देता हूं और यहां पर लिखता हूं आइटम, ओके। और यहां पर पीस पैक्स पीसेस जो भी हो तो यहां पे मैं पैक्स कर देता हूं, इस बार एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराता हूं, एंटर प्रेस करता हूं और यहां से इसे ले लेता हूं। अब यहां पर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे गोडाउन का आपको नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। आप जिस भी गोडाउन में डाल रहे हो सामान को, जैसे अब हम आएंगे मेन लोकेशन, तो मेन लोकेशन यहां पे दिख रहा है आपको, ठीक है। न्यू कॉलोनी गोडाउन के अंतर्गत हमें इसे रखना है, तो न्यू कॉलोनी में मान लीजिए कीबोर्ड के आपने 100 आइटम रख दिए, ठीक है। और रेट क्या है इसका? रेट हमें जो खरीदारी का पड़ रहा है वो 90 रुपए पड़ रहा है। फिर दूसरा जो गोडाउन है वो है नगर पालिका गोडाउन, तो नगर पालिका गोडाउन में हमने रख दिया कितना आइटम? 20 आइटम, ठीक है। और इसका रेट जो है वो सेम है, ठीक है। इसी तरह से राघव नगर गोडाउन, तो आर प्रेस करेंगे तो राघव नगर गोडाउन पे आ जाएंगे, यहां पर 120 आइटम हमने रख दिया। इसी तरह से फिर अगर हमें बेतिया हाथा करना है तो ये बेतिया हाथा गोरखपुर आ गया, यहां पर 200 आइटम हमने रख दिया, एंटर प्रेस किया और अब इसे हम चाहे तो एक्सेप्ट करा सकते हैं। यहां जीएसटी की बात मैंने नहीं की है, ठीक है, ये सिर्फ चालू करने को लेकर के है।